एजुकेशन कंप्लीट किया, तब हम लोग कुछ सर्च कर रहे थे कि कुछ अच्छा करें जो थोड़ा समाज के काम भी आ सके, ज़्यादा इनकम ना हो लेकिन समाज के भी काम आ सके, हम मतलब वाइस वर्सा चीज़ें होनी चाहिए दोनों। तो इसलिए मेरे फादर इन लॉ ने ये बोला कि स्कूल खोलते हैं, उससे आप लोगों की भी ग्रोथ होगी, प्लस और ऐसा एरिया ढूंढते हैं जहाँ पर एजुकेशन के लिए लोग चाह रहे हैं, एजुकेशन कुछ आए लेकिन वहाँ पर है नहीं प्रॉपरली, तो इसलिए हमने इस एरिया को सिलेक्ट किया और यहाँ पर हमने ये स्कूल खोलने का प्लान किया। '06 को स्कूल को ओपन किया और काफ़ी एक 10 डेज की एक एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के थ्रू मैंने इसको ओपन करने की कोशिश की, लेकिन जब इसको यहाँ पर स्टार्ट किया तो यहाँ इस एरिया में बिल्कुल भी माहौल नहीं था, ऐसा इंग्लिश मीडियम का फर्स्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल था जो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम स्कूल था इस एरिया का। कुछ चल रहे थे 1-5 चल रहे थे, लेकिन ये हमने 1-8 पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टार्ट किया। उसके बाद इस एरिया का काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट होता गया, जैसे जैसे स्कूल की भी ग्रोथ होती गई और आज मेरे पास 500 स्टूडेंट की कैपेसिटी है, अप्रॉक्स पूरे ही मेरा फुल है स्कूल, और अभी कैपेसिटी के लिए हम और बिल्डिंग भी अभी एक्सटेंड करेंगे। और 10 इयर्स से मैंने 10th स्टार्ट की, 10 इयर्स हो गए हैं उसको। मेरे 10 इयर्स से मैंने 100% बोर्ड रिज़ल्ट दिया है और बच्चों के मैथ्स में साइंस में 100 out of 100, 99, 98 ऐसे मार्क्स बच्चों ने लिए हैं। स्कूल लेवल पे अचीवमेंट्स एक तो रिजल्ट्स का तो है ही है सबसे मेन, और स्पोर्ट्स में भी बच्चों को स्काउट में भी भेजा है, बच्चों को स्पोर्ट्स में भी भेजा है, और टीचर्स मेरे पास इनफैक्ट टीचर्स में सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि मेरे पास 13 साल मेरे स्कूल को हुए, 13 साल पुराने मेरे पास टीचर्स अभी तक भी काम कर रहे हैं, तो लाइजनिंग बहुत अच्छा है हमारा। पेरेंट्स भी जो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, बच्चे 10th करके गए नर्सरी से 10th तक, बीच में बहुत कम पेरेंट्स ने अपने बच्चों को रिप्लेस करने की कोशिश की है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे हिसाब से। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ऐड करते हैं, हाउस में डिवाइड कर रखे हैं हमने बच्चों को, उनके हाउस कंपटीशन, हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन, ड्राइंग कंपटीशन, डांस कंपटीशन, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, बहुत सारे रंगोली मेकिंग, अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ में बच्चे का एक्स्ट्रा डेवलपमेंट करने की हम लोग कोशिश करते हैं। जब हम PTM ऑर्गेनाइज करते हैं तो पेरेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आकर उनको कम्युनिकेट करना चाहिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो उनको भी ना फेस करनी पड़े और स्कूल को भी ना फेस करनी पड़े। स्टूडेंट्स को टीचर्स की, पेरेंट्स की, अपने आसपास सभी अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको पढ़ाई की तरफ पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए, और जो टीचर्स पढ़ाएं उसको भी वो ध्यान से सुने, उस पर कॉन्सेंट्रेट करें और अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करें।